हाय, देखो पिला माने, हमें एबे पर्यंत प्रथम विषय चारोटी पार्ट पढ़ी सारिछु। गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया को लेखिबा किपरि, समतुल करिया किपरि, आउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे व्यवहार होउथिबा प्रतिकारक आ उत्पाद पई भौतिक अवस्थार सूचना, जेतिकि बेसिक जिनिस आमे जानिबा कथा प्राय आमे समस्त जानि सारिछु। आजिठू स्टार्ट करिबा विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया। एबेठ कंप्लीट चैप्टर सरिया पर्यंत ए विषय जो जो रासायनिक प्रतिक्रिया पढ़ा जीवो तार डेफिनेशन मन रखा एवं तार दुईटी लेखाएं उदाहरण एग्जांपल मन रखा परीक्षा भी क्वेश्चन डायरेक्ट संश्लेषण प्रतिक्रिया उदाहरण लेख ठीक अच्छे मैचिंग टाइप क्वेश्चन डिफरेन्स देदेव सब डिस्कस करी। तो ये देखिए विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया आम सिलेबस कौन कौन सब कवर है ठीक अच्छे। जो फास्ट अच्छी रासायनिक प्रतिक्रिया जो पढ़ू अच्छे संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया। संश्लेषण अर्थात मिसिबा ठीक अच्छे कम्बिनेसन रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ा ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नंबर थ्री विघटन भांगी जीवा डिकम्पोज होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर फोर तापशोषी तापग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक अच्छे विस्थापन प्रतिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ा द्वैत विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जारण विजारण ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लास्ट खाली अच्छे जारण विजारण व्यवहार दैनंदिन जीवन में व्यवहार। बस एति पढ़ा गोटे गोटे आमर चैप्टर ही ये कम्प्लीट हम ए फास्ट विषय चैप्टर कम्प्लीट हम आउ बोर्ड एग्जाम ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट फास्ट विषय अच्छे आपको बहुत भल भाव में पढ़ा आउ क्वेश्चन प्राक्ट करके रखा जमी आपको रिविजन भी दरकार नहीं से भाई बुझा आ प्राक्ट करवा ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करवा फास्ट रासायनिक प्रतिक्रिया हूँ संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया। तो फास्ट देखा संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया ठीक अच्छे। फास्ट डेफिनेशन बुझा आ मु टू टाइम्स थ्री टाइम्स कह ताकि मन भी रही है किसी इजी बहुत अच्छी। जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई बा दुई रु अधिक प्रतिकारक मिसी गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि करती संश्लेषण। संश्लेषण अर्थात मिसिबा जस्ट लाइक तुम्हें दुईटा नंबर मिसेल टू प्लस थ्री फाइव कम्बिनेसन जस्ट खाली मिसेले तो सी कौन से रासायनिक प्रतिक्रिया जो तुम्हें बहुत सारा प्रतिकारक नहीं जो दुईटा मिनिमम तो नब दुईटा नहीं जो बाकी दुईटा न नब तो सी आ रासायनिक परिवर्तन हम कि हम ना ना तो मिनिमम दुई बा तुम्हें दुई रु अधिक भी किसी नौ कि सब गुड़ा मिसी जाइ रेजल्ट मात्र गोटे ही आसूची। रेजल्ट जदि केवल गोटे आसूची तेल से ही रासायनिक प्रतिक्रिया कह संश्लेषण प्रतिक्रिया। लांगुएज लिखा जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई बा दुई रु अधिक प्रतिकारक मिसी मात्र केवल गोटे उत्पाद सृष्टि करती ताकि संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया कह जाए। जेनेली लिखा कमी सेकेंड पॉइंट सपोज मन कौन एक्स प्लस वाई एक्स ये गोटे प्रतिकारक वाई गोटे प्रतिकारक से दूसरी जेड ये पार गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया ठीक अच्छे। मुझे कहि ए प्लस बी प्लस सी गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया एगुटा उदाहरण परीक्षा लिखी मुझे जस्ट बुझाऊ तुमको। तो ये प्रथम आ द्वितीय सामान कौन अच्छी देख उत्पाद सैड केवल गोटे गोटे उत्पाद मिलूँ आमको कितु ये कौन अच्छी प्रतिकारक दुई अच्छे प्रतिकारक तीनोटी अच्छी कि उत्पाद के मात्र गोटे अच्छी तेणु जो सब रासायनिक प्रतिक्रिया मात्र गोटे ही उत्पाद थी सृष्टि से ही रासायनिक प्रतिक्रिया कह संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया। बुझेगला पिला माने प्रथम डेफिनेशन फास्ट क्लियर समस्त हो प्रतिकारक संख्या दुई बा दुई रु अधिक था किसी असुविधा ना किंतु जदि उत्पाद गोटे अच्छी पिला माने ताहले सेटा हिजिवो संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया ठीक अच्छे। तुमको क्वेश्चन किसी आसो ना क्वेश्चन देखिकी तुमको कह पड़ो यहाँ कौन प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया जानी हबो तार जनरल फॉर्मेट मुझे देदेली ठीक अच्छे। परीक्षा ये डेफिनेशन तुम लिख तार उदाहरण लिख प्रकृत रासायनिक प्रतिक्रिया कौन थे आगे मुझे रिएक्शन लिखी दूसरी ठीक अच्छे। तक बुझे रिएक्शन लिखुची मु कैल्शियम ऑक्साइड कौन कैल्शियम ऑक्साइड H2O जल ठीक अच्छे। यहाँ हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक अच्छे ये हूँ ठीक अच्छे। बुझा कौन हो आज मन रख यहाँ हूँ फास्ट कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ हूँ कैल्शियम ऑक्साइड
ये होची प्लस कौन लिखे मु जल कौन दौर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटा होची कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भल कि बुझ पा मैंने देख आगे देख इटा गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया कि संश्लेषण प्रतिक्रिया तुम चिन्हब कौटी प्रतिकारक साइड देखि चिन्हब ना उत्पाद साइड देखि चिन्हब उत्पाद साइड देखि चिन्हब उत्पाद साइड लक्ष्य कर गोटे ही उत्पाद अच्छी से संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया आम देखुचे ये उत्पाद गोटे अच्छी प्रतिकारक दुईटा अच्छी दुई रू अधिक असुविधा भी किसी ना तो यहाँ गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया डेफिनेशन सरला उदाहरण लिखे कौन एग्जांपल जिते बड़े कैल्शियम ऑक्साइड जल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करे बा संश्लेषित हुए से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि करे यह हूँ गोटे संश्लेषण प्रतिक्रियार उदाहरण बुझेगला देख आउ मन रख आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला CaO को कहा जाए कलिचून कौन कहा जाए कलिचून से भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH रो हल टू को कहा जाए समित चून या फरक कौन कलिचून और समित चून ठीक अच्छे तुम्हें मार्केट गल गोटे के जी चून मागिल चून अर्थात जो तुम आगे कांथरे कलर करने कांथ पॉलिश करा जाए चून जो से चून आ जो चून तुम आनलो सीटा पॉकेट थाए जो कठिन अवस्था थाए ना पाउडर हो थाए ना से एस लिखी तुम्हें जो मार्केट चून किणिक आईटा हूँ कली चून कैल्शियम ऑक्साइड बुझेगा मार्केट जो चून मिलूँ से कली चून कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हें आणिकी पॉलिश करा चाहो ताको कौन कर गोटे पात्र जल मिसेद ना कि चून पकईदेव आ पा मिसेदेव ठीक अच्छे पा मिसाला जोटा सृष्टि हे तुम्हें जोटा को नहीं पॉलिश करा चेस्टा कर जलीय द्रवण कैल्शियम ऑक्साइड जलीय द्रवण टा कौन हो समित चून बुझीगला तो कली चून में जल मिश्रा कौन हो जाए समित चून तो आम तीनो पॉइंट बुझल फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन यहाँ मुझे बुझाप कहली ये हूँ सेकेंड पॉइंट तुमको नोट डाउन भी कर ठीक अच्छे तो कौन जान लें मार्केट रू कली चून किणी आनलो जल्दी मिसेदेले कौन हो गला समित चून फर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH रो हल टू ठीक अच्छे आउ हूँ कली चून हूँ कैल्शियम ऑक्साइड CaO देख तुम्हें कली चून आनलो पानी गोल रखिल कांथरे मारदेल ठीक अच्छे कांथर मारि सारा कांथर चतुर्पार्श्व वायुमंडल सहित संपृक्त अच्छी ना एवं वायुमंडल अंगारकामल गैस अच्छी तापर रिएक्शन हुए कौन ना आम जो कांथरे मारि सारे समित चून कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे कि नहीं सी वायुमंडल अंगारकामल सहित प्रतिक्रिया करी कौन दिए कैल्शियम कार्बोनेट कौन दिए कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ को मार्बल बोली कही था बुझे कि ना ये हूँ तार फर्दर रिएक्शन टा एटा हो जाए परीक्षा ये भी सर्ट क्वेश्चन देदेव समित चून द्रवण वायुमंडल अंगारकामल सहित मिसले कौ कठिन पदार्थ सृष्टि करें ठीक अच्छे तेल कौन हो कैल्शियम कार्बोनेट ये CaOH टू स्टेट हूँ भौतिक अवस्था एक्वा स्टेट रे कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट रे CaCO3 सॉलिड स्टेट रे एवं H2O हो लिक्विड स्टेट रे बुझे अर्थात कौन लिखा रिएक्शन तेल ये रिएक्शन लिखा कौन दौर ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड युक्त अंगारकामल कैल्शियम कार्बोनेट और जल दौर ठीक अच्छे जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आम कौन कही समित चून बा क्वेश्चन थी समित चून क्यों गैस संस्पर्श आसे कैल्शियम कार्बोनेट परिणत हुए कौन गैस अंगारकामल गैस और कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाए कौन मार्बल तुम्हें जो घर मार्बल व्यवहार करुच बा तुम्हें देखि सामुकार ऊपर अंश जो कठिन पदार्थ या था सी भी हूँ कह उदाहरण मार्बल बा तार संकेत हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आम देखिले डेफिनेशन देखिले गोटे रिएक्शन देखिले आ तार फर्दर रिएक्शन कौन आम से मन रखा ठीक अच्छे ठीक अच्छे आउ किसी संश्लेषण प्रतिक्रिया उदाहरण देखा देख कोईलार दहन देखिली कौन कोईला कोईला कहार रूप कार्बन रूप मान तुम्हें जो कोईला जालू छो जालियो मान कह क्या उपस्थित चले सी अम्लजान उपस्थित रे मु गैस लिखिदे फॉर्मेशन कौन हो कार्बन
ডাইঅক্সাইড CO2 বুঝি। তো পরীক্ষা পচার কয়লার দহন কার উদাহরণ, কেউ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ না হচ্ছে সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া, কাহিঁকি এটি গোটে উৎপাদ অনেক এটি গোটে উৎপাদ, গোটে উৎপাদ অলে ইয়ে হচ্ছে কয়লার দহন মধ্যে সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া। আিয়াকশন লিখি হব হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাস মিশি কোণ দে জল দেখছি ঠিক আছে, এর প্রতিক্রিয়ার জল হচ্ছে এইটা গোটে সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া কি হ্যাঁ, কারণ গোটে উৎপাদ অ ঠিক আছে। আচ্ছা ইয়ে হচ্ছে ব্যালান্স করা তাকে লিখে আমি কোণ এটি টু এইচ টু ও হ্যাঁ, টু এইচ টু ও ইয়ে বি হয়ে টু এইচ টু প্লস ঠিক আছে, ব্যালান্স হয়ে গেলে তাহলে এটা হচ্ছে কোণ না এক সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ। তো কোণ কোণ দেখলে আমি সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়ার ডেফিনেশন দেখলে যেটি দুই বা দুই অধিক রাসায়নিক প্রতিকারক মিশি গোটে উৎপাদ দিকে, প্রথমে ইকুয়েশন দেখলে কলি চূণ আর জল মিশিয়ে দিচ্ছেন সমিত চূণ, নেক্সট হচ্ছে সমিত চূণর দ্রবণ যদি অঙ্গারকাম সহ মিশে দেখলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা মার্বল দেওয়া, কয়লার দহন আছে জলর ফর্মেসন হচ্ছে কেউটি হাইড্রোজেন আর অম্লজান, এত হচ্ছে আমি পড়িলে সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া মনে হয়েছে সমস্ত ঠিক আছে। এবার দেখিবা তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া, দেখো তাপ উৎপাদীর ডেফিনেশন কুচি যে প্রতিক্রিয়ারে প্রতিকারক কিছু মিশি উৎপাদ দেবে এবং উৎপাদ সহ আউ কিছু তাপ নির্গত হোক বা কিছু শক্তি নির্গত হোক তাহলে তাহলে কুযোগ তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া। যদি তুমি পরীক্ষা করা চাইব কলি চূণক আনব গোটে কাচ গ্লাসে বা তুমি যদি বিকর ব্যবহার করে পারিব বহুত ভালো হবে পিলা মানে, যদি বিকর বা কাচ গ্লাসে কলি চূণ কিছু পকাইব, কলি চূণ মানে যে চূণক তুমি মার্কেট কিনি আনুছ আউ কিছু পানি পকাইব ঠিক আছে, দেখিব সেই যে পাত্র কাচ পাত্রটি কলি চূণ আর জল মিশালা পরে তুম হাতক উষুম লাগুছি কি না গরম লাগুছি কি দেখিব, তোমার হাত কিছু উষুম লাগিব, তা অর্থাৎ কলি চূণ যেতবে জল সহ প্রতিক্রিয়া করুচি সে তো সমিত চূণ দেউচি এবং তা সহিত মধ্যে কিছু তাপ শক্তি নির্গত করুচি বুঝাউছি না, উৎপাদ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা সহিত মধ্যে কোন সৃষ্টি হচ্ছে না কিছু তাপ শক্তি নির্গত হচ্ছে, তাহলে সেইভাবে রিয়াকশন কুযোগ কোণ তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া, যে প্রতিক্রিয়ারে উৎপাদ সৃষ্টি হওয়া সহ তাপ বা শক্তি কিছু নির্গত হতে তাকে কুযায় তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া। তো জেনারেল রিয়াকশন কোণ সপোজ এক্স প্লস ওয়াই মিশিলে জেড উৎপাদ দেলে তা সহ পুঁ কোণ দিয়েছেন তাপ বা অনেক কিছু শক্তি দিয়েছেন তাকে আমি কুচে কোণ তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া বুঝিগেল। তার উদাহরণ যদি কুচে তাপ উৎপাদী তুমি দেখিপার সে কলি চূণ উদাহরণ CaO প্লস এইচ টু ও দেখছি CaOH র হল টু প্লস এ লিখিদেব তাপ শক্তি ইয়ে হয়েপার কোণ না এক প্রকার তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া ঠিক আছে। আউ কোণ হয়ে তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া আউ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসর দহন, প্রাকৃতিক গ্যাস আজির মনে রাখব কাহা কুযায় প্রাকৃতিক গ্যাস কুযায় হচ্ছে CH4 আমি কুচে প্রাকৃতিক গ্যাস বা যেটা আমি কুচে মিথেন বুঝি পড়া যাব কার্বন যৌগের হচ্ছে মিথেন, মিথেন দহন অর্থাৎ অম্লজান উপস্থিতি মনে করো সে জলুছি তাহলে কোণ দেছি সে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লস জল টু এইচ টু ঠিক আছে, কোণ দেছি টু এইচ টু ও ব্যালান্স করেদেবা টু ও টু। তো প্রাকৃতিক গ্যাসর দহন অর্থাৎ সে কোণ কুচি হচ্ছে মিথেন হ্যাঁ প্লস অম্লজান হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে আপনি দেখে দরকার এই রিয়াকশন মনে রাখব। প্রাকৃতিক গ্যাস পরীক্ষা পচারে প্রাকৃতিক গ্যাসের দহন এক কেউ প্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া তুমি লিখব তাপ উৎপাদী ঠিক আছে, প্রাকৃতিক গ্যাস দহন গলা আউ ইম্পর্টাট হচ্ছে ইম্পর্টাট কোশ্চিন হচ্ছে শোষণ প্রতিক্রিয়া প্রায় সমস্তে জাঁথি মধ্যে কুচি শোষণ কোণ শোষণ প্রতিক্রিয়া বা আমি কহবা শ্বাসক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া এক প্রকারর তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া, পরীক্ষার ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসে কাহিঁকি শোষণকু তাপ উৎপাদী প্রতিক্রিয়া মধ্যে কুযায়, দেখো এন্টায়ার প্রসেস আগে বুঝে চাল প্রকৃতরে কোণ হচ্ছে না আমি কিছু খাদ্য খাওছে, আমি কোণ কোণ খাদ্য খাওছে আমি জেনারেলি বেশি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য খাওছে বা কার্বোহাইড্রেট ভাত রুটি ঠিক আছে বা কদলী বা যেকোনসি আমি কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেত জাতীয় খাদ্য খাওছে মিঠা জাতীয় খাদ্য খাওছে আলু এইসব শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যরে ডাইজেসন হলাপরে আমার কোণ হচ্ছে না শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য
रूपांतर दौर कौन थी ग्लुकोज को कारण से सब ग्लुकोज थाए सब ठीक अच्छे श्वेत सार आम खाद्य खाद्य से कन्वर्ट हो खाद्य श्वेत सार कौन जाऊँच ग्लुकोज को जाऊँच ग्लुकोज आ ग्लुकोज फर्मुला कौन C6H12O6 कौन हो खाद्य श्वेत सारे श्वेत सार जो थाए सी कौन ना परिपाक प्रक्रिया भांगी जाए ग्लुकोज रे परिणत हो ठीक अच्छे देख से ग्लुकोज आमर जो समस्त कोष रे मनुष्य शरीर समस्त कोष रे अम्लजान द्रवीभूत ही अच्छे ठीक अच्छे से ग्लुकोज कौन हुए से ग्लुकोज परिपाक प्रक्रिया समस्त कोष को जाए एवं से ग्लुकोज आसरे अम्लजान सहित प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि करे और जो कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल को आम निश्वास बाहर करू तुम यदि कहे तुम नाक पाखे हाथ दे देख निश्वास को अनुभव कर देख से निश्वास जोटा कि बाहर को आसे निश्वास जो बाहर को बाहर करू देख से हाथ को उषुम भी लगे कारण ये एंटायर प्रोसेस खाद्य श्वेत सार हवा श्वेत सार रु ग्लुकोज ग्लुकोज पुणी समस्त कोष रे अम्लजान उपस्थित रे भांगी जाए से अंगारकाम्ल गैस सृष्टि करिबा एवं किसी शक्ति बाहर करिबा जेहेतु कि शक्ति दिए से कहा जाए या श्वसन श्वासक्रिया एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तार रिएक्शन जब देखा रिएक्शन ये आसो देख रिएक्शन आसो ग्लुकोज C6H12O6 ठीक अच्छे प्लस 6O2 कोशी जीव कोषर थिबा अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करी कौन दिए ना कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल जोटा आम निश्वास बाहर करूचे 6CO2 ठीक अच्छे प्लस 6H2O ठीक अच्छे ता सहित कौन दिए इम्पोर्टेंट फैक्टर ता सहित होउचे कौन सीए किसी शक्ति मध्य निर्गत करिथाय बा एनर्जी शक्ति बुक से तुमको रिएक्शन मिल रिएक्शन को कह जाए कौन श्वसन रिएक्शन जब पचार श्वसन आवश्यक रासायनिक समीकरण टी लेख यह लिख बालांस अच्छी बाकी आ गोटे जिन परीक्षार पचार दिए कत तार भौतिक अवस्था ये एक्वास्टेट रे लिक्विड है पचार ग्लुकोज अम्लजान उपस्थित कौन कौन दिए आमको तार उत्पाद कौन कौन सृष्टि करे जल आउ कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल बुझीगला ये थिला होची श्वसन प्रतिक्रिया नेक्स्ट होची आउ गोटे होची ताप उत्पादी होची हमर जेतिकि जैविक पदार्थर विघटन जेमते आमे खत बा कंपोस्ट बनाऊे ठीक अच्छे जैविक पदार्थ मान जो जीवर जो गुड़ा सब पची सढ़ी जाइए खत या हुए से सब जैविक पदार्थर खत बा कंपोस्ट सृष्टि ये भी हूँ एक प्रकार कौन ताप उत्पादी प्रतिक्रिया तुम्हें यदि कौटी अलिया आवर्जना को रखी थो ना घड़े रखी थो कि दिन पर देखिए सी तार विघटन हो गरम गरम किसी तुम हावा फिल हे बुझे कारण से ताप सृष्टि होता है तो आज कौन पढ़ले ताप उत्पादी फास्ट पढ़ले संश्लेष प्रतिक्रिया ताप उत्पादी प्रतिक्रिया किसी ना उत्पाद सृष्टि सहित किसी ताप शक्ति भी निर्गत हो उदाहरण कलिचिन उदाहरण नहीं पार प्राकृतिक गैस दहन जोटा कि मिथेन रिमें देखे कार्बन डाइऑक्साइड और किसी 2H2O प्लस ठीक अच्छे 2H2O प्लस अच्छा ठीक प्लस शक्ति ठीक अच्छे से भाई श्वसन प्रतिक्रिया इम्पोर्टेंट श्वसन प्रतिक्रिया ग्लुकोज प्लस 6CO2 दौर 6CO2 प्लस 6H2O ठीक अच्छे ये सब 6 केवल ग्लुकोज जहाँ रही है बालांस अच्छे तार भौतिक अवस्था ही मन रखीदेब कहीं कहुए मन रहीगला कहीं कौन आम एक ताप उत्पादी कारण ग्लुकोज विघटन घटी किसी शक्ति निर्गत हो ग्लुकोज विघटन घटी शक्ति निर्गत होने जाचु उत्पाद सृष्टि सहित जदि ताप शक्ति निर्गत हुए आम कहे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया आज जैविक पदार्थर खत बा कंपोस्ट सृष्टि तो आज ये आज टास्क हूँ आज टास्क हूँ H2O होमवर्क हूँ कस्तम्भ ठीक अच्छे कस्तम्भ में MgO कलिचून मार्बल लेड आयोडाइड समित चून खस्तम्भ अच्छी सबुज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड धला CaCO3 हलदिया
मैच करिवो आ तार आंसर कमेंट्स से जणेबो। ठीक अछि, आज भाई एतिकी, थैंक यू।